हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव मम्मी। आज हम बना रहे हैं स्पेशल मीठा, इसे कुनाफ भी कहा जाता है। और ये सेवई है जिसे हम वाइट सॉस में बनाएंगे। इसमें आपको लेयर दिख रही होगी, नीचे सेवई की लेयर है, वाइट सॉस है, फिर सेवई की लेयर है और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स हैं। बहुत टेस्टी लगता है और इस तरीके की डिश आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए जो घर में आसानी से बन सके। और ये किस तरीके से बनती है मैं आपको दिखाती हूँ। सेवई बनाने के लिए हमने ये एक पैकेट सेवई का पैकेट लिया है। ये भुनी हुई सेवई है, हम इसे इस पैकेट के अंदर ही इसे तोड़ लेंगे, एकदम बारीक कर लेंगे। अब बारीक होने के बाद हम इसमें डाल देंगे इसे। आप पैकेट में इसे छोटे पीसेस में कर लीजिए। हमने एक चम्मच देसी घी लिए और उसमें हमने हमारे सेवई का पैकेट डाल दिए। अब इसे हम अच्छे से भुनेंगे, एकदम स्लो गैस। ये हमारी सेवई अच्छे से रोस्ट हो गई है, आपको स्लो गैस पे अच्छे से इसको भुनना है। अब हमने ऑरेंज रेड फूड कलर 2 चम्मच पानी में मिक्स किए, इसे हम डाल देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके। ताकि हमारी सेवई का कलर बहुत अच्छा है। अब इस पॉइंट पे हम गैस बंद कर देंगे। ये हमारी सेवई बहुत अच्छे से भुन गई है, आपको अच्छे से भुनना है और इसमें कलर भी ऐड करना है। जब आपकी सेवई अच्छी दिखेगी तो आपका जो स्वीट डिश है वो भी अच्छा दिखेगा। अब इसे हम साइड में कर देंगे। हम एक पैन ले लेंगे, इसमें 300 ml दूध डाल लेंगे, आपको ठंडा दूध लेना है। इसमें हम 1 चम्मच अमूल बटर डालेंगे ताकि हमारा सॉस एकदम क्रीमी बने। और इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। पहले कॉर्नफ्लोर, बटर और दूध को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आपको गैस बिल्कुल चालू नहीं करना है, आपको बंद गैस पे इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। इस मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में। हम सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही गैस चालू करेंगे ताकि हमारे दूध में बिल्कुल भी लम्स नहीं आए और एकदम टेस्टी सॉस बने इसमें। अब हम गैस चालू कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। आपको एकदम थिक रबड़ी जैसी बनानी है। इस तरीके से मिक्स करते करते आपका बटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शक्कर डाल देंगे 2 चम्मच। आपको ज़्यादा मीठा नहीं करना है इस सॉस को, आपको सिर्फ 2 चम्मच शक्कर डालना है इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करना है। आपको कंटिन्यूसली मिक्स करना है, अदरवाइज नीचे से लग जाएगा। अब ये हमारा सॉस काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, हमने काफ़ी टाइम से अच्छे से पका लिए। अब हम इसमें वाइट रोज एसेंस डाल देंगे। आपको 3-4 ड्रॉप एसेंस डालना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी एसेंस से। और अब इसे हम और गाढ़ा करेंगे थोड़ा। इसको आपको कंटिन्यूसली मिक्स करना है, यही एक काम है इसमें, बाकी तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से सेवई बनाएंगे। बस अब इस पॉइंट पे हम बंद कर देंगे। ये हमारे इसमें बहुत अच्छी बॉईल आ गई और गाढ़ा भी हो गया है। पॉइंट पे हम बंद कर देंगे, लेकिन हम इसे कंटिन्यूसली 2 मिनट के लिए और मिक्स करते रहेंगे। एकदम स्मूथ हमारी क्रीम रहे, इसमें से रोज़ एसेंस की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको इसी तरीके से मिक्स करते रहना है इसे। अब ये जो सेवई हमने रोस्ट करके रखे है घी में, इसकी क्वांटिटी कम है इसलिए मैं इतने बड़े बाउल में नहीं बनाऊंगी, मैं छोटा बाउल ले लूँगी इसके बदले। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ऐसे चपटे बाउल में ही बनाइए इसे। मैं छोटा बाउल ले लूँगी और इसके अंदर डालूँगी सेवई। हम इसमें 1 चम्मच सेवई डालेंगे। एक बाटी की हेल्प से इसे हम नीचे प्रेस कर देंगे। अब ये जो हमने क्रीम बनाए हम इसे डाल देंगे, इसमें पोर कर देंगे। आपको गर्म ही पोर करना है इसे। अब क्रीम के ऊपर हम ये भुनी हुई सेवई डालेंगे फिर से। आपको गरम गरम ही क्रीम डाल देना है। अब जो ऊपर का लेयर है इसे भी हम थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। ये हमारी व्हाइट सॉस एकदम थिक हो गई है और अच्छे से जम गई है। आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, सिर्फ थोड़ा प्रेस करना है। अब ये हमारे पास चाशनी है, ये आप बना सकते हैं घर में। आपको 1 छोटा कप शक्कर लेनी है और 1 छोटा कप पानी डालना है और उसे बॉईल कर लेंगे तो आपकी चाशनी बन जाएगी। इसमें हम चाशनी डाल देंगे। आपको धीरे धीरे करके डालना है, सब जगह पे एब्जॉर्ब हो जाए क्योंकि हमारा सॉस इतना ज़्यादा मीठा नहीं है।
आप इस तरीके से नई चीज़ें ट्राई करिए। मैं पूरी चाशनी नहीं डाल रही, जितना मुझे लगा उतना ही मैंने इसमें डाला है। अब इसे हम डेकोरेट कर देंगे ड्राई फ्रूट से। हम पिस्ता डाल देंगे। कभी भी आप सेवई बनाएंगे उसमें पिस्ता डालेंगे, उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी रेड से ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है, रेड एंड ग्रीन का। अब इसमें हम थोड़ा बादाम भी डाल देंगे। अब इसे हम एक घंटे के लिए चिल्ड होने देंगे। चिल्ड होने पे ये एकदम एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा एक दूसरे के अंदर और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमारा मीठी सेवई रेडी हो गई है, एक नए तरीके से मीठी सेवई है जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। और इसे कुनाफ भी कहा जाता है। अगर आपको ये डिश अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।